press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi friends, welcome back to Sanita's Kitchen. आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैक्सिकन डिश की रेसिपी कि वेजिटेबल केसेडिया जो अपने आप में बहुत ही यम्मी है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है. इसमें सारी कलरफुल वेजिटेबल्स आ जाती हैं. कोई भी डिनर हो, घर में लंच हो, इसको आप मेन कोर्स में भी ऐड कर सकते हैं और हाई टी पार्टी हो तो उसमें भी रख सकते हैं. बहुत ही टेस्टी रेप्स हैं जिनको बनाना बहुत ही ईजी है. तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम पैन में बटर डालेंगे. बटर के साथ ही थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे. ये इसलिए डालते हैं ताकि बटर जल नहीं जाए. चॉप्ड गार्लिक, गार्लिक को थोड़ा सॉटे होने देंगे. हम डालेंगे ब्रोकली जो मैंने चॉप कर लिया, मशरूम, बेल पेपर्स, बहुत ही कलरफुल स्टफिंग तैयार होएगी. इन सबको सॉटे कर लेंगे अच्छे से. कॉर्न डाल देंगे. कॉर्न का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें. अब हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट. सॉल्ट हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमें इसमें सॉस मिक्स करनी है. ऑरिगेनो, और ये हम डालेंगे शेजवान सॉस 1 टीस्पून. टोमेटो सॉस भी मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे. स्टफिंग रेडी हो गई है. अब हम रैप्स रेडी करेंगे. अब हम इसके सेंटर में स्टफिंग रख देंगे. इससे सारी वेजिटेबल्स बच्चे खा लेंगे. ऐसे तो खाते नहीं हैं आप, अलग अलग देंगे. तो ये मैंने मोज़रेला और प्रोसेस्ड चीज़ लिया है जो अमूल के क्यूब्स आती हैं. और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके ग्रिल करेंगे इसको. अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं. हम इनको हाफ कर देंगे. आप पिज़्ज़ा कटर से काट लेंगे इसको. तो फ्रेंड्स, केसेडियाज रेडी है. आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें. और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करें और मेरी लास्ट 2 रेसिपीज देखने के लिए यहाँ क्लिक करें. तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ.